स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। आप सबको पता है कि करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे को 21 फरवरी 2021 को जन्म दिया। उसके बाद कई बार करीना कपूर को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। जी हाँ, अब हाल ही में करीना कपूर के छोटे नवाब का नाम भी सामने आ गया है। रणधीर कपूर ने अपने छोटे नाती का नाम कन्फर्म भी कर दिया है। जी हाँ, तो करीना कपूर के छोटे बेटे का नाम यह बताया गया है। आपको बता दें कि तैमूर के नाम के समय, तैमूर के जन्म के बाद और जब उनका नाम रखा गया तब भी बहुत बवाल सोशल मीडिया पर मचा था। लेकिन अब फिर से आपको बता दें कि करीना कपूर के छोटे बेटे का नाम जैसे ही सामने आया है, वैसे ही आपको बता दें कि बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। वो सारे कमेंट्स हम आपको इस रिपोर्ट में पढ़कर बताएंगे कि आखिर लोग उनके छोटे बेटे को लेकर क्या कह रहे हैं। बार बार ट्रोलिंग का शिकार आखिर करीना कपूर को क्यों होना पड़ रहा है, क्यों उनके छोटे बेटे को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री के रॉयल कपल करीना कपूर और सैफ अली खान 21 फरवरी 2021 को अपने दूसरे बेटे के माता पिता बने थे। बीते दिनों सोशल मीडिया के जरिए कपल के बेटे का नाम सामने आया था। पटौदी खानदान के सबसे छोटे नवाब का नाम जे है और इस बात को करीना कपूर के पिता रणधीर कपूर ने भी कंफर्म कर दिया है। लेकिन लगता है कि फैंस को करीना कपूर के बेटे जे का नाम ज्यादा पसंद नहीं आया है। इसी वजह से करीना और सैफ को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक करीना कपूर और सैफ अपने नन्हे बेबी को जेह कहकर बुलाते हैं। जी हां, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद करीना कपूर के पिता और अभिनेता रणधीर कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके नाती का नाम जेह है। जी हां, रणधीर कपूर ने कहा था कि हां, करीना और सैफ के बेटे का नाम हाल ही में जेह रखा गया है। ये नाम हमने पिछले हफ्ते ही फाइनल किया है, जिसके बाद से पूरा परिवार घर आए नन्हे मेहमान को जेह से बुला रहा है। जी हाँ, तो आपको बताते हैं कि ट्रोलर्स ने क्या कहा है। दरअसल सोशल मीडिया के कई यूजर्स को करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे का नाम पसंद नहीं आया है। कई लोगों का मानना है कि जेह का मतलब जहांगीर है, लेकिन करीना कपूर ने ट्रोलर से बचने के लिए जहांगीर को छोटा करके जेह कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा कि मुझे 101% यकीन है कि करीना और सैफ अपने बेटे का नाम जहांगीर रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि तैमूर को बैकलैश का सामना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने इसे छोटा कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि एक दूसरे यूजर है, उन्होंने लिखा है जे हो। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि जे भी ठीक है। जी हाँ, एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि जे क्या बात है। जी हाँ, तो एक और यूजर है जिनका नाम है JRP, उन्होंने लिखा है कि शॉर्ट फॉर जहांगीर। एक और यूजर है सुनीता, उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब रख लेते, बाबर, टीपू सुल्तान, खिलजी, कितने ही नाम थे मुगलों के। जी हाँ, एक और यूजर है, उन्होंने भी काफी कुछ लिखा है। अनुश्री पिंगले ने लिखा है कि पीपल आर गोइंग टू गूगल द मीनिंग ऑफ जेह टूडे, इज दैट सीरियसली इवन अ नेम। जी हाँ, एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि एच की जगह W कर देते। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि इसका नाम लेमूर रख दो। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है परमानेंट नेम वुड बी चंगेज अली खान। जी हाँ, तो इस तरह के कमेंट्स अब तक आ चुके हैं करीना कपूर के छोटे बेटे के लिए। और आपको बताते कि लगातार ही उनके छोटे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है जब से करीना कपूर ने ये नाम रखा है और जब से रणधीर कपूर का ये स्टेटमेंट आया है कि उनकी बेटी और दामाद सैफ अली खान ने अपने छोटे नवाब का नाम जे रखा है। तब से करीना कपूर को ट्रोल किया जा रहा है, उनके बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि करीना कपूर ने 9 मई को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें एक्ट्रेस ने अपने छोटे बेटे जे का चेहरा फैंस को दिखाया था। इस तस्वीर में देखा जा सकता था कि करीना कपूर के बड़े बेटे तैमूर अली खान अपने छोटे भाई को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। इस दौरान नन्हे जेह ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ है।
लेकिन फिर भी जेह के चेहरे की झलक साफ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर करीना कपूर के दोनों बेटों की ये तस्वीर बहुत पसंद भी की गई थी। हालांकि करीना कपूर ने बेटे तैमूर अली खान को लेकर भी काफी ट्रोल हुई थी। जी हाँ, लोगों को एक्ट्रेस के बेटे का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हालांकि एक्ट्रेस ने उस समय का डटकर सामना किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें तैमूर के नाम पर हुए विवाद पर कहा था कि उसके नाम को लेकर जो हुआ वो बहुत डरावना था, वो बहुत नफरत फैलाने वाला था और मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। उस समय मैं एक इंसान और माँ के रूप में बहुत घबरा गई थी, लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगी, मैं उसे क्या कह कर पुकारूंगी, ये पूरी तरह मेरा फैसला है और इससे किसी दूसरे का कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, फिलहाल कोई शक नहीं है कि करीना कपूर और सैफ अली खान को ट्रोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, ट्रोलर्स लगातार उन्हें ट्रोल करते हैं, उनके बच्चे को ट्रोल करते हैं, लेकिन इन सब का करीना कपूर बहुत डटकर सामना करती हैं। जी हाँ, जितने भी कमेंट्स आए हैं, अभी तो और भी कमेंट्स आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो इस बात की स्टेटमेंट आई ही है, इसे अभी कंफर्म ही किया गया है कि करीना और सैफ अली खान के छोटे नवाब का नाम जे है। जी हाँ, अब तो ट्रोलिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो कई सारे मैसेजेस और आने बाकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार ही करीना कपूर के छोटे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है। उनके नाम को लेकर उनके जन्म के समय भी विवाद हुआ था और काफी कुछ लोग कह भी रहे थे उस समय भी, और अब जब करीना कपूर के छोटे बेटे का नाम सामने आ चुका है, जब इस बात को रिवील कर दिया गया है कि आखिर उनके छोटे बेटे का नाम क्या है, इसके बाद अब फिर से ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। और फिर से आपको बता दें कि लगातार ही करीना कपूर खान को ट्रोल किया जा रहा है, उनके बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है, तो ये पटौदी खानदान के लिए बेहद ही बुरी खबर है। लेकिन पटौदी परिवार इस चीज का डटकर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि किस तरीके से करीना कपूर के छोटे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है, करीना कपूर को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब करीना कपूर के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है या वो ट्रोलिंग का शिकार हुई है। जी हाँ, करीना कपूर के जो पहले बेटे हैं तैमूर, उनके समय में भी इस तरह का बवाल हो चुका है और ये सारी चीजें करीना कपूर झेल चुकी है। जी हाँ, और अब तो करीना कपूर डट कर इन सब चीजों का सामना करती है। तो आपको इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।